हेलो एवरीवन जय हिंद टू ऑल ऑफ यू दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आज जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा टेंस टेंस को आज समझेंगे डिटेल में और हम ये देखेंगे कि टेंस को कैसे पहचाना जाए तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कम शब्दों में हम लेकर आए हैं हाउ टू आइडेंटिफाई टेंसेस बहुत ही यूनिक अप्रोच के साथ आपको सिखाया जाएगा तो सुनिएगा ध्यान से आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल देसी अंदाज में आपको सिखाया जाएगा तो जो हैडिंग हमारी क्या रहेगी रहेगी हाउ टू हाउ टू आइडेंटिफाई टेंसेस टेंस को कैसे पहचाना जाए बस हम इसकी ही आज बात करेंगे और बहुत ही धुआंधार तरीके से इस चीज को समझेंगे तो टेंस को पहचानने से पहले एक क्वेश्चन माइंड में यह आता है कि सर टेंस होता क्या है है ना एक क्वेश्चन माइंड में यह आता है बेटा कि टेंस क्या होता है आइए समझते हैं बहुत ध्यान से अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज टेंस कि टेंस क्या होता है देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूं सुनते रहिएगा ध्यान से आपका नजरिया बदल जाएगा सुनिए अगर कोई आपसे पूछता है कि टेंस क्या होता है तो सुनिएगा ध्यान से यदि टाइम को एक्शन के साथ जोड़ दिया जाता है तो टेंस बनता है बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा रहे हैं सुनिएगा टाइम को यदि एक्शन के साथ जोड़ दिया जाता है तो टेंस बनता है कह सकते हैं टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू व्हाट? टेंस क्या कह सकते हैं टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस बस इतनी सी बात याद रखेगा टेंस खत्म हो जाएगा टाइम को अगर एक्शन के साथ जोड़ दिया जाता है तो टेंस बनता है अब इसको के थ्रू समझते हैं सर इसका एग्जाम्पल एक दे दीजिए आओ समझते हैं ध्यान से अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं बेटा तो एग्जाम्पल क्या होगा सुनना ध्यान से मैंने कहा मैंने कहा टॉम इज बहुत यूनिक वे है यूनिक अप्रोच है सुनिएगा ध्यान से टॉम इज प्लेइंग क्रिकेट बस आपको टेंस को पहचानना है बस वही मैं आपको सिखाऊंगा पहले टेंस की बात कर लें टेंस होता क्या है सुनिएगा ध्यान से अब जो डेफिनेशन लिखी है टाइम प्लस एक्शन क्या होता है टेंस होता है अप्लाई करके देखो मैं आपको सिखाता हूं सुनना ध्यान से बहुत प्यार से देखो इस सेंटेंस में अगर देखा जाए इज क्या दिखा रहा है टाइम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है अरे हाँ ये ना इस क्या इंडिकेट कर रहा था इस इंडिकेट कर रहा था टाइम को और एक्शन को कौन दिखा रहा है प्लेइंग एक्शन को कौन दिखा रहा है बेटा? तो ये प्रेजेंट है ये कॉन्टिन्यूस है क्लियर हो गया तो आज के बाद से हमेशा याद रखिएगा टाइम प्लस एक्शन को ही क्या कहते हैं टेंस कहते हैं बस इतनी सी बात आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बहुत ही कम शब्दों में आपको टेंस को समझाने की कोशिश करेंगे मुझे रील नहीं बनानी है आपको सिखाना है सारे बच्चे आने वाले समय में क्या बनेंगे ऑफिसर बनेंगे देखो सुनो ध्यान से अगर मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों कि किसी भी वर्ड को सुनिएगा ध्यान से किसी भी वर्ड को वब तब कहते हैं जब वो आपको टेंस की इन्फो देता है यही तो पढ़ाया था एक टर्म टेंस की क्या देता है आपको इन्फो देता है किसी भी वर्ड को हम वब तब कहेंगे जब वो टेंस की जानकारी देगा तो आप याद रखिएगा उस वब का नाम क्या होगा जो टेंस की जानकारी देगा उस वब का नाम होगा क्या सुनिएगा ध्यान से उस वब का नाम होगा क्या उस वब का नाम होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वब सुनते रहिएगा ध्यान से प्राइमरी ऑक्सिलरी वब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वब जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं हेल्पिंग वब यही आपको रियल में टेंस की जानकारी देगी अगर आपसे पूछता है ऐसी कौन सी वब है जो आपको टेंस की जानकारी देती है तो आप याद रखिएगा प्राइमरी वब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वब ही आपको टेंस की जानकारी देंगी तो है ना अगर कोई आपसे पूछता है ये होती क्या है ये कौन कौन सी वर्ब होती है आओ इसको भी समझते हैं है ना जाओ देखो अगर कोई आपसे पूछता है बेटा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वब क्या होती है मैं इसे शॉर्ट में क्या कहता हूं प्राइमरी है ना यही आपको रियल में टेंस की इंफो देती है कि अगर आपसे पूछता है ये होती क्या है तो कह देना क्या यही आपको रियल में रियल में टेंस की इंफो देंगी टेंस की जानकारी देंगी इंफॉर्मेशन देंगी इसको ध्यान रखिएगा बेटा अब ये कौन कौन सी होती है देखो अगर सेंटेंस में प्राइमरी वर्ब नहीं है या हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप टेंस नहीं बता सकते अब सुनो ये वर्ब होती कौन कौन सी इनके दर्शन कर लो आ जाओ देखो एक तो फॉर्म होती है बी की एक फॉर्म होती है डू की एक फॉर्म होती है किसकी हैव की अब ये अपने आप में क्या हो गई बेटा ये वी वन हो गई ये भी क्या हो गई अपने आप में वी वन हो गई ये भी क्या हो गई वी वन हो गई अब सुनना ध्यान से जो प्राइमरी वर्ब होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है टोटल में ये कितनी होती हैं सुनना ध्यान से आपको पता भी होगा अगर नहीं पता है तो मोहित सर आपको बताएंगे सुनना ध्यान से जो प्राइमरी वर्ब होती हैं इनकी संख्या होती है इलेवन कितनी होती है इलेवन यानी कि ग्यारह होती ये यही आपको रियल में टेंस की इन्फो देती हैं अब ये बी की फॉर्म में हो सकती हैं बेटा या डू की फॉर्म में हो सकती हैं या हैफ की फॉर्म में हो सकती हैं आप सुनो ध्यान से बे की फॉर्म क्या हो सकती है इज एम आर वॉज और व याद रखिएगा प्राइमरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को ही लिया जाएगा मेन वर्ब को नहीं लिया जाएगा गॉट इट डू की फॉर्म क्या होती है डू की फॉर्म होती है डू do, डज है ना और क्या कह सकते हैं डिड डन को नहीं लिया जाएगा बिकॉज डन जो है वो क्या है मेन वर्ब है आगे बढ़े हैव को हम लिख सकते हैं हैव ज या हैड थर्ड फॉर्म को नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो तो मेन वर्ब होती है अब इसे काउंट करते हैं ये इलेवन होनी चाहिए और गिनते हैं काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन जी हां दोस्तों ये इलेवन निकल कर आई है अगर आपके सेंटेंस में बीकी फॉर्म नहीं है बीकी फॉर्म इन द सेंस इज एम आर वॉज वर्क डू की फॉर्म नहीं है डू की फॉर्म इन द सेंस डू डज डिड अगर हैव की फॉर्म नहीं है हैव की फॉर्म इन द सेंस हैव हैज हैड अगर ये सेंटेंस में नहीं है तो आप टेंस की जानकारी नहीं दे सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है सुनिएगा ध्यान से तो देखो तो बी डू हैव क्लियर हो गया अब सुनना ध्यान से सुनना ध्यान से जो बी की फॉर्म होती है इज एम आर वाज वर सुनना ध्यान से बेटा इसके साथ दो कंडीशन आती हैं इसके साथ दो कंडीशन आती हैं है ना दो कंडीशन कौन सी आती हैं? या तो आप इसके साथ क्या लिखते हैं वी फोर लिखते हैं आपको मैंने थोड़ा पढ़ाया था वी फोर क्या होता है वी वन प्लस आई एन जी है ना और या तो क्या लिखते हैं बी के साथ आप बी के साथ या तो लिखते हैं की फॉर्म। अगर आपने बी की फॉर्म के साथ इज are, वॉज वर्क के साथ अगर आपने आई लिख दिया यानी कि वी फोर लगा दिया तो आप इसे एक्टिव वॉइस की टोन कह दीजिएगा अगर बी की फॉर्म के साथ वी थर्ड लगा दिया तो आप इसे पैसी वॉइस की टोन कह सकते हैं बात समझ में आ रही है देसी भाषा में इज एम आर वाज वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है इज एम आर वाज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म भी आ सकती है ये मेन वर्ब बनेंगे ध्यान रखिएगा डू डज डिड के बाद आप हमेशा याद रखिएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा याद रखिएगा इसे ही मैंने एक टर्म में एक ट्रिक में आपको समझाया है वो ट्रिक क्या है इसे आप कह सकते हैं बेटा क्या इसे आप कह सकते हैं थ्री शायद आपने मैथ्स में पढ़ा है इंग्लिश में भी जान लीजिएगा थ्री क्या होता है डू डज डिड थ्री डी सेंटेंस में कहीं पर लिखा है अगर ये हेल्पिंग वर्ब बन रहा है तो इसके साथ मेन वर्ब में क्या लिखा जाएगा V1 लिखा जाएगा याद रखिएगा V1 को हम बेस फॉर्म कह सकते हैं बेटा क्या कह सकते हैं बेस फॉर्म कह सकते हैं

आगे बढ़ते हैं have, has, had. आप हमेशा याद रखेगा, इसके साथ में क्या क्या लिखा जाएगा की की लिखी 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 जाएगी क्या लिखी जाएगी की फॉर्म लिखी जाएगी तो एक बार सारे बच्चे इसे करो जल्दी से आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा अब हम आगे बढ़ेंगे कोई अगर डाउट होता है तो पूछिएगा ठीक है ना तो ये सारी कंडीशन याद रखिएगा बिल्कुल यूनिक अप्रोच के साथ आपको सिखाया जा रहा है अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे ये तो देखो मैं आपसे इतना मैं इतना पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई पूछ दे टेंस क्या होता है कह देना टाइम प्लस एक्शन टेंस होता है दूसरी बात कौन सी ऐसी वब होती है जो टेंस बताती है कह देना प्राइमरी ऑक्सिलरी वब ही टेंस की जानकारी देते हैं ये कौन कौन से होते हैं बी की फॉर्म हो सकती है डू की फॉर्म हो सकती है हैव की फॉर्म हो सकती है बी की फॉर्म क्या होती है इज एम आर वॉज वर डू की फॉर्म क्या होती है डू डस डिड Have की फॉर्म क्या होती है have, has, had. अब तो प्लस ing आएगा या v4 आएगा Do, does, did के साथ क्या आएगा? V1 आएगा जिसे आप 3d के नाम से जानते हैं, has, have, had. अगर हैं तो मेन वर्ब में क्या लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे इसको ध्यान रखिएगा अगर बी के साथ आई फॉर्म आ जाए तो एक्टिव वॉइस की टोन हो सकती है अगर इज एम आर वॉर्स वर्क के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव वॉइस की टोन हो सकती है अब ये एक्टिव पैसिव क्या होता है आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझा दिया जाएगा पेशेंस रखिएगा ठीक ना तो ये सारी बातें क्लियर हो गई थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे अब हम बात करेंगे कि सर चुटकियों में कैसे पहचाने टेंस को ऐसा कोई तरीका बता दीजिए कि टेंस का टॉपिक बहुत ज्यादा डीप में ना ले जाए सीधे पॉइंट पर बात कर लें कि टेंस को कैसे पहचाने देखो तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना आप वैसे वैसे नोट्स मेंटेन करते रहिएगा सुनो ध्यान से बिल्कुल पहली प्यारी बात अगर आपके सेंटेंस में सुनो अगर आपके सेंटेंस में v1 या v5 लगा हो अब आपको ये तो पता ही होगा जो v1 होता है इसे प्लुरल फॉर्म कहते हैं जो v5 होता है इसे सिंगुलर फॉर्म कहते हैं ठीक ना तो अगर आपके सेंटेंस में इसको कैसे याद कर लोगे समझोगे इसको गो से समझना इसको समझना गो से ठीक ना अगर ये सेंटेंस मेंशन है v1 या v5 है तो ये टेंस कौन सा होगा ये टेंस होगा बेटा कौन सा ये टेंस होगा प्रेजेंट टेंस होगा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आप समझ जाइएगा कौन सा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा ठीक है ना और इसकी जो हेल्पिंग है वो क्या होगी इसकी जो हेल्पिंग वो क्या होगी वो होगी डू do या डस क्या होगी डू do या डस और मेन वर्ब में क्या लेगा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा अभी आपको समझाया था

Indefinite. है ना? और इसकी हेल्पिंग व्या होगी बेटा इसकी हेल्पिंग क्या डिड और क्या है पर. कोई भी sentence मैं लिखूंगा भी आगे चल के तो आपको देखना है, ये क्या बता रही है? अगर वी वन या वी फाइव है प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर वी टू है तो पास इनिट गी पर करना है फोकस आपको बस इतना ही जानना है अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर अगर अकेला ही आ जाए कैसा आ जाए बेटा अगर अकेला ही आ जाए कैसा आ जाए अकेला अब अकेला इन द सेंस जैसे मैंने कहा टॉम इज एन ऑफिसर टॉम इज एन ऑफिसर इज अकेला ही आया है, किसी की हेल्प नहीं कर रहा था तो ऐसे टेंस को क्या कहा जाएगा ऐसे टेंस को भी क्या कहा जाएगा बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाएगा इसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं कुछ भी कहो ठीक ना जैसे से बता रहे है ना जैसे जैसे वैसे ही सीखते रहना अगर आपके सेंटेंस में वाज वर अकेला ही आ जाए कैसा आ जाए अकेला ही आ जाए आप बोलते थे ना वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग तो ये टेंस कौन सा है वाज अकेला ही आया किसी की हेल्प नहीं कर रहा था टेंस कौन सा होगा टेंस होगा अगर इसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सारे रिप्लाई मिल जाएंगे टेंस होगा? कौन सा होगा पास्ट पास्ट भैया? ठीक ना? अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर के साथ वी आई एनजी फॉर्म आ जाए वी वन प्लस आई फॉर्म आ जाए तो ये टेंस कौन सा होगा टेंस होगा देखो इज एम आर होता है प्रेजेंट और जो v1 वन प्लस होता है ये कंटिन्यूस होता है तो टेंस का नामकरण क्या हो गया टेंस का नाम हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैं शॉर्ट में लिखता हूं आप समझ जाइएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ठीक है ना यहां पे टेंस को आपको बता रहे हैं कैसे पहचानना है टेंस को पहचानना आ जाएगा तो स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बहुत आराम से बन जाएंगे ठीक है ना अगर आपके सेंटेंस में वोज के साथ प्लस आई आ जाए तो ये टेंस कौन सा होगा देखो वॉज वर्ग क्या है बेटा पास्ट है V1 वन प्लस आई क्या होता है एक्शन चल रहा होता है यानी कि कंटिन्यूस तो टेंस का नाम क्या हो जाएगा जैसे जैसे बता रहे हैं सीखते रहो पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट बात क्लियर हो गई आगे बढ़े और सुनना ध्यान से अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर इज एम आर के साथ वब की थर्ड फॉर्म लगी मिल जाए सर ये कैसे होगा अगर मैंने कहा अ लेटर इज रिटर्न बाय राम एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है देखो इज आ गया और वब की थर्ड फॉर्म आ गई अब सुनना ध्यान से देखो बेटा ये बी की फॉर्म है कि नहीं इज एम आर कहोगे सर बिल्कुल है अभी आपने पढ़ाया था आप हमेशा याद रखिएगा अगर बी के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए बी की फॉर्म कुछ भी हो सकती है इज एम आर वॉज वर्ब इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो थर्ड फॉर्म को हाइड कर दीजिएगा और टेंस का नाम बता दीजिएगा आई इज़ वर या बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगी हो टेंस का नाम बताना हो तो आप क्या करिएगा की थर्ड फॉर्म को हाइड कर दीजिएगा और टेंस का नाम बता दीजिएगा तो सपोज मैंने इसे हाइड कर दिया तो इज एम आर क्या होती है V1 होती है ना और वर क्या होती है V2 होती है बीन क्या होती है V3 होती है बीन क्या होती है V4 होती है तो यानी कि इस MR को V1 कहते हैं और अभी पढ़कर आए ऊपर क्या कि जो V1 होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट इन टेंस अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगा है ना पहले इसे नोट करिएगा जल्दी से आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा वब को पह, टेंस को पहचानने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा वब पर है ना जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे ही लिखते रहिएगा बस बढ़ते हैं आगे हम लोग अभी एग्जाम्पल भी दे देंगे ठीक है ना देखो अगर आपके सेंटेंस में वॉज वब की थर्ड फॉर्म लगी है तो टेंस कौन सा होगा टेंस होगा देखो बी की फॉर्म आ गई थर्ड फॉर्म आ गई थर्ड फॉर्म को हाइड कर दीजिएगा और टेंस बता दीजिएगा वर इज एम आर का वी टू होता है ना होता है कि नहीं होता है तो जो वॉज वर है इसे मैंने हाइड कर दिया तो ये वी टू है और वी टू इज नोन एज वॉट पास्ट इन मैं शॉर्ट पे लिखता हूं आप समझ जाइएगा कोई डाउट अगर होता है तो बताइएगा पास्ट इनडेफिनिट ठीक है ना अब आगे बढ़े हम लोग अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा परेशान मत होइएगा बेटा है ना अगर सेंटेंस में अगर सेंटेंस में हैज हैव अकेला ही आ जाए बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख रहा हूं बहुत चंद शब्दों में ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए मैंने कहा आई हैव ए पेन तो ये टेंस कौन सा है have, अकेला ही आ गया किसी की हेल्प नहीं करी इसने अब अगर अकेला ही आ जाएगा तो आपने पढ़ा होगा जो है ये वी वन होता है, है। एक्चुअल में क्या होता है हैव क्या होता है? ये आपका वी वन होता है जो हैज होता है ये आपका वी फाइव होता है समझने के लिए हैज है को हम वी वन मान सकते हैं ठीक है ना तो आप सुनेंगे ध्यान से अगर हैज अकेला ही आ जाए तो टेंस कौन सा होगा टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा क्या होगा प्रेजेंट इनिट इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं और सुनो ध्यान से अगर sentence में के साथ की थर्ड फॉर्म आ जाए तो देखो है क्या है प्रेजेंट है कि नहीं है बिल्कुल है थर्ड को क्या कहते हैं परफेक्ट कहते हैं तो टेंस कैसे बना ये प्रेजेंट हो गया ये क्या हो गया परफेक्ट तो टेंस का नाम क्या हो गया बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बस ऐसे ही समझना बस है ना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर 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 कर दूंगा मैं परेशान मत होइएगा अगर आपके सेंटेंस में हेड अकेला ही आ जाए क्या हो जाए हेड अकेला ही आ जाए तो टेंस कौन सा होगा सुनो ध्यान से इसी बात पर देखो हैज है वी वन और इसका पास क्या होता है वी टू यानी कि हेड होता है तो हेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है अगर ये सेंटेंस में अकेले ही आ जाए आई हैड अ पेन अकेला ही आ गया हैड किसी की हेल्प नहीं करी इसने तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा ये टेंस हो जाएगा पास्ट इनडेफिनिट बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं आप इसे कॉपी पर लिखते रहिएगा नोट्स मेंटेन करते रहिएगा है ना अगर आपके सेंटेंस में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो हेड क्या है पास्ट है वी थ्री क्या है परफेक्ट है टेंस क्या बन जाएगा टेंस क्या बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस टेंस को पहले पहचानना तो सीखो ठीक है ना बेटा आगे बढ़े अगर आपके सेंटेंस में हैज हैव के साथ अगर ओनली क्या आ जाए बीन आ जाए क्या जाए बीन तो टेंस कौन सा होगा देखो हैज हैव क्या है प्रेजेंट है और बीन क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना आपने पढ़ा होगा इज एम आर वी वन वॉज वर वी टू बीन बी डबल वी थ्री होती है और जो बींग होता है बी आई एनजी ये वी फोर होता है तो ये थर्ड फॉर्म है ना तो ये हो जाएगा प्रेजेंट ये हो जाएगा परफेक्ट तो टेंस का नाम क्या हो जाएगा हर हर तरीके से सीखो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपके सेंटेंस में हैड के साथ बीन आ जाए तो ये टेंस कैसा होगा देखो हैड क्या है पास्ट है Bean क्या है वब की थर्ड फॉर्म है और जो वीथरी होता है उसे कहते हैं परफेक्ट टेंस क्या बन गया पास्ट परफेक्ट क्या बन गया बेटा शायद आपने ऐसे कभी पढ़ा होगा लेकिन राइट right अप्रोच से पढ़िएगा नंबर आएंगे बेटा आपके पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आपके सेंटेंस में अब देखो कितना इजी हो गया है अब आपके सेंटेंस में अगर आपको टेंस पहचानना है तो वब पर करिएगा फोकस जैसा जो हो वैसा ही आंसर हो जाएगा आपका है ना अगर आपके सेंटेंस में Has, have लगा मिल जाए, और बीन लगी मिल जाए प्लस वी वन प्लस आई एनजी लगी मिल जाए तो देखो टेंस की फ्रेमिंग कैसे होती है देखो क्या है प्रेजेंट है क्या है है V3 है परफेक्ट ना और वी वन प्लस आई क्या होती है कंटिन्यूस होती है तो टेंस क्या बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो कितना इजी हो गया है सब कुछ तो ये बेटा टेंस क्या बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखो कितने इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है टेंस को कैसे पहचाना जाए चुटकियों में ऐसे ही पढ़िएगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे टेंस को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है टेंस को पहले पहचानना सीखो फिर उसमें एरर निकालना सीखो ठीक है ना बेटा नोट करिएगा जल्दी से इसे चलिए आपने नोट कर लिया होगा बढ़ते हैं आगे सुनिएगा ध्यान से अगर आपके सेंटेंस में हैव के साथ बीन आ जाए और वब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये टेंस कौन सा होगा बताओ देखो अभी आपको पढ़ाया था अगर सेंटेंस में बी की फॉर्म आ जाए बी की फॉर्म क्या होती है बेटा इज एम आर वॉज वर भी होती है और खुद में बी भी, भी होती है बीन भी होती है बींग भी होती है बी की फॉर्म है ना अभी आपको बताया कि अगर सेंटेंस में टेंस को पहचानना है बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी है थर्ड फॉर्म को हाइड कर दीजिएगा और टेंस का नाम बता दीजिएगा अब देखो बी के साथ थर्ड फॉर्म आई इसे हाइड कर दिया तो ये क्या बचा प्रेजेंट और ये क्या बचा परफेक्ट तो ये टेंस का नाम क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक है ना अगर आपके सेंटेंस में हेड के साथ बीन आ जाए और थर्ड फॉर्म आ जाए देखो बीन बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गई थर्ड फॉर्म को हाइड कर दीजिएगा थर्ड फॉर्म को हाइड कर दीजिएगा और टेंस का नाम बता दीजिएगा तो थर्ड फॉर्म इसे हाइड कर दिया तो हैड क्या है पास्ट है बीन क्या है परफेक्ट है टेंस का नाम क्या हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत बढ़िया अप्रोच से समझा रहे हैं समझते रहिएगा है। ठीक है ना आगे बढ़े अगर आपके सेंटेंस में विल और शैल के साथ वब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो ये टेंस कौन सा होगा सुनो ध्यान से देखो विल शैल क्या होते हैं इसे कहते हैं फ्यूचर क्या कहते हैं फ्यूचर कहते हैं और जो वी वन होता है इसे अभी पढ़कर आए थे क्या कहते हैं इंडेफिनिट तो टेंस का नाम क्या हो जाएगा बेटा टेंस का नाम हो जाएगा फ्यूचर इनडेफिनिट बात को समझिएगा ध्यान से ठीक है ना अगर आपके सेंटेंस में शैल के साथ बी आ जाए और थर्ड फॉर्म आ जाए अब आपको टेंस का नाम बताना है अभी आपको तरीका बताया था बी की फॉर्म लगी मिल गई तो हम होशियार हो जाएंगे थर्ड फॉर्म जो लगी उसे हाइड कर देंगे और सिखाते हैं देखो तो विल शैल क्या है फ्यूचर है और बी वी वन होता है कि नहीं होता है होता है कि नहीं होता है बिल्कुल होता है और वी वन को क्या कहते हैं इनडेफिनिट कहते हैं टेंस क्या बन जाएगा फ्यूचर इनडेफिनिट थर्ड फॉर्म को भूल जाइए ठीक है ना टेंस क्या हो जाएगा फ्यूचर Indefinite. अगर आपके सेंटेंस में विल के के साथ will, के साथ विल अगर आपको हैव लगी मिल जाए और आपको वब की थर्ड फॉर्म लगी मिल जाए तो टेंस कौन सा होगा देखो विल शैल क्या होता है ये मॉडल होता है यानी कि फ्यूचर होता है और मॉडल की बेटा जो मॉडल वब होती है इनकी एक ही पहचान होती है, इन्हें वीवन चाहिए होता है.

टेंस बन जाएगा ध्यान रखिएगा अगर आपके सेंटेंस में विल शैल के साथ बी आ जाए और आईएनजी फॉर्म आ जाए तो ये टेंस कौन सा होगा कितना इजी हो गया सर अब तो देखो विल शैल की एक ही पहचान इसे से वन चाहिए तो वी वन है बी क्या है वन है तो इस पूरे टर्म को आपने क्या कहा फ्यूचर कह दिया और वी वन प्लस आई क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है तो टेंस क्या हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा खत्म हो गई बात और समझो ध्यान से अगर आपके सेंटेंस में विल शैल के साथ have लगा मिल जाए प्लस बीन लगा मिल जाए प्लस वी वन प्लस आई लगा मिल जाए तो टेंस क्या होगा बताओ कितना इजी हो गया है सर विल शेल और हैव विल शेल मॉडल है हैव वी वन है तो इस पूरे टर्म को क्या कह दिया आपने इस पूरे टर्म को कह दिया फ्यूचर कह दिया और बीन थर्ड फॉर्म है ना इसे कह दिया परफेक्ट और ये वी वन प्लस आई एन जी इसे कह दिया कॉन्टिन्यूस कितना इजी अप्रोच हो गया है ना तो टेंस का नाम क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो एक अप्रोच के साथ हमने सीखा टेंस को कैसे पहचाना जाए बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करी है बस कोई भी सेंटेंस आज के बाद से लिखा जाएगा आपको फोकस करना है वब पर और वब क्या होती है जो टेंस बताती है, है? प्राइमरी वब। बस व वब को देखना है और टेंस को बता देना है जल्दी से इसे नोट करो चलिए अब आपने इसे नोट कर लिया होगा अब हम बढ़ते हैं आगे और अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जो बातें हमने लिखी हैं इसे अप्लाई कैसे करा जाए बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे बस आज क्या सीखना है टेंस को कैसे चुटकियों में ठीक है ना आओ देखो एग्जाम्पल देते हैं पहला एग्जाम्पल है क्या देखो बहुत बच्चों वाले में सेंटेंस दूंगा आपको सिखाना है मुझे अगर ये बेसिक वाले सेंटेंस सीख गए तो बहुत कुछ सीख जाओगे देखो मैंने कहा ही goes there filikamene he went he went there filikamene i have a broken pen बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे आपको समझाएंगे फिर लिखा आई हैव ब्रोकन अ पेन फिर लिखा द चेयर वॉज द चेयर वॉज ब्रोकेन यस्टरडे नेक्स्ट लिखा देखो मैं सेंटेंस क्यों लिख रहा हूं सेंटेंस को इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि टेंस को आपको सिखाएंगे कैसे पहचानना है जैसी जो अप्रोच मैं आपको देने वाला हूं बस उसी अप्रोच को करिएगा फॉलो सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी आ जाओ बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे और सेंटेंस बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे लेटर इज रिटन बाई टॉम प्रीति हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी बस इतना ही लिखते हैं फिर लिखा Seeing a lion, she jumped. लॉइन को देखकर वह कूद गई देखो ये कुछ सेंटेंस हैं। आप पहले इसे नोट करेगा जल्दी से आ जाओ आप समझते हैं कि इसको कैसे पहचानो देखो टेंस को पहचाना बहुत ही जरूरी है हम आपको सिखाते हैं देखो बहुत ही देसी अंदाज में सिखाएंगे बहुत ज्यादा हमें आप रेल नहीं बनानी है कि हम ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे बिल्कुल सुनिए ध्यान से टू द पॉइंट बात करेंगे तो को टेंस को पहचानने के लिए आप फोकस करते हैं किस पर वब पर वब क्या होती है फिर वो टेंस बताती है ना आप देखो वब यही तो है यही टेंस बता रही है और आपको पता है ये वब की फिफ्थ फॉर्म है सिंगुलर फॉर्म है और v5 फाइव इज नोन एज वॉट टेंस कौन सा हो जाएगा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गई बात बस वब पे करना है ना ही सब्जेक्ट पर ना ही ऑब्जेक्ट पर ना ही एडवर्ब पर किसी पर नहीं टेंस को पहचानने के लिए वब पर करना होगा फोकस नेक्स्ट देखो भाई ही वेंट देयर देखो गो की ये सेकंड फॉर्म वेंट होती है ना और अभी आपको पढ़ाया था V2 इज नोन एज पास्ट इंडेफिनिट इसे कहते हैं सिंपल पास्ट इसे क्या कह दोगे आप आज के बाद से पास्ट इंडेफिनिट टू द पॉइंट हम बात करते हैं ठीक ना? I have a broken pen. Next है ना आई हैव ब्रोकन पेन नेक्स्ट है आई हैव ब्रोकन अ पेन इन दोनों सेंटेंस में जमीन आसमान का अंतर है वो क्या है आई है मेरे पास एक टूटा हुआ पेन है और जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है आई मैंने एक पेन तोड़ दिया है से इस सेंटेंस में आपको पता है ये आर्टिकल डिस्टर्ब कर रहा था आर्टिकल आया है तो नाउन आएगा आप बेचारा हैज जब अकेला ही आ गया है अगर आर्टिकल ना लिखा होता तो प्रेजेंट परफेक्ट होता लेकिन बीच में क्या लिखा हुआ है आर्टिकल लिखा हुआ है तो आप सुनो ध्यान से हैज है ना मेरे पास एक टूटा हुआ पेन है तो हैज है प्रेजेंट है इंडेफिनिट इसे क्या कहोगे आज के बाद से प्रेजेंट टेंस को पहचानो बस केवल अभी नेक्स्ट देखो सेंटेंस आई है आर्टिकल नहीं आया ये प्रेजेंट है और has, की जो मेन वर्ब होती है वो क्या होती है थर्ड फॉर्म होती है वी थर्ड इज नोन एज परफेक्ट तो ये आपका प्रेजेंट है ये क्या है आपका परफेक्ट है टेंस क्या हो जाएगा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. है ना आ जाओ नेक्स्ट देखो द चेयर वॉज ब्रोकन यस्टरडे चेयर को कल तोड़ दिया गया था अब देखो ये बी की फॉर्म आई है ना की फॉर्म क्या होती अभी है अभी पढ़ाया था इज एम आर वॉज वर अगर बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी मिल जाए तो थर्ड फॉर्म को हाइड कर दिया जाता है और टेंस का नाम बता दिया जाता है तो बी के साथ थर्ड फॉर्म आई है ना इसे हाइड कर दो इसे छुपा दो देखो वॉज अकेला ही आया बोलो ये वीटू है कि नहीं है अगर इसे हाइड कर दोगे तो ये वी टू है और वी टू इज नोन एज वॉट पास्ट इंडेफिनिट सुनते रहेगा ध्यान से उसके बल ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं आप पढ़ के देख लेना पूरे यूट्यूब पे पढ़ लीजिएगा आप ठीक है ना ट कहोगे सर ये तो थर्ड फॉर्म है अभी आपने पढ़ाया था कि थर्ड फॉर्म जो होती है उसे कहते हैं परफेक्ट ये भी तो पढ़ाया है कि बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो इसे हाइड कर देना छुपा देना टेंस का नाम बता देना आगे बढ़े अ लेटर इज रिटर्न बाय टॉम देखो बी की फॉर्म आ गई ना तो जो बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आए थर्ड फॉर्म को हाइड कर देना थर्ड फॉर्म को हाइड कर दो इसे ये थर्ड फॉर्म है इसे छुपा दो और देखो इज अकेला ही आ गया और इज एम आर अगर अकेला ही आता है तो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इज एमआर क्या होता है ही तो होता है ऑब्वियस बात है तो टेंस कौन सा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेक्स्ट प्रीति हैज बीन अपॉइंटेड प्रीति को अपॉइंट किया गया है अब देखो बी के साथ थर्ड फॉर्म आई है ना

वब पे करो फोकस आपको लग रहा है सर ये वब है ये वब नहीं है ये देख कौन रहा था शी और कूदा कौन है शी यानी कि प्रोनाउन में तो ऐड हो रहा है नाउन प्रोनाउन में जो भी ऐड होता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव क्या कहते हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव कभी भी टेंस नहीं बताता है टेंस क्या होता है टेंस देखने के लिए पता करने के लिए वब के पास जाना पड़ता है और आपको पता है जम्ड अपने आप में वीटू है कि नहीं है और वी टू इज नोन एज वॉट पास्ट इनडेफिनिट। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर नजर आ रही होंगी बस यही अप्रोच होती है टेंस को पढ़ने की अब बढ़ते हैं आगे दस एग्जाम्पल आप लोगों के नाम रीमा इज प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट लिखूंगा क्या मैंने लिखा एक्स वॉज प्लेइंग क्रिकेट ठीक है ना फिर लिखा शी विल राइट अ लेटर वह एक पत्र लिखेगी देखो तो बहुत इजी वाले सेंटेंस उठाए अभी दो सेंटेंस आपको टफ वाले भी देंगे ठीक है ना नेक्स्ट शी विल बी राइटिंग अ लेटर Next, I, <coughs> I had a pen walking on the road. <coughs> आई मेट अ गर्ल रोड पर टहलते हुए मैं एक लड़की से मिला नेक्स्ट वह टहल रही है चलिए अब ये कुछ सेंटेंस है इसमें करना क्या है आपको टेंस का नाम बताना है आओ सीखते हैं ध्यान से इसे नोट डाउन करेंगे पहले चलिए अब समझते हैं इसको टेंस कैसे पहचाने इसका बहुत इजी अप्रोच है टेंस को पहचानने के लिए करना क्या है बेटा टेंस को पहचानने के लिए आपको वब पे करना है फोकस है ना पे करना है फोकस आओ देखो ध्यान से पहला जो सेंटेंस है इसको समझो देखो ये प्रेजेंट है कि नहीं हाँ सर बिल्कुल है ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं सर बिल्कुल है टेंस का नाम क्या हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अब मैं लिखूंगा नहीं आगे आप सुनिएगा ध्यान से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट देखो सेंटेंस ये एज का पास्ट होता है ना तो ये पास्ट है और ये क्या है कॉन्टिन्यूस है टेंस का नाम क्या हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस आगे देखो शी विल राइट अ लेटर ये क्या है आपका फ्यूचर है मॉडल है मॉडल लेती है V1 तो ये V1 है और V1 को क्या कहते हैं इनडेफिनिट तो टेंस का नाम क्या हो गया इसको मैं देता हूं ये टेंस का नाम क्या हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट जो लिखा था ना पहले उसी पर बेस्ड सारे सेंटेंस है ये विल बी राइटिंग अ लेटर वह एक पत्र लिख रही होगी देखो यह आपका फ्यूचर है विल मॉडल है यह वी वन है तो फ्यूचर हो जाएगा पूरा और यह वी फोर प्लस आएंगे तो यह कंटिन्यूअस हो जाएगा टेंस का नाम क्या हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस ठीक है ना आगे बढ़े आई हैड ए पेन मेरे पास एक पेन था तो हैज हैव है सेकंड फॉर्म वी टू होती है ना और वीटू ये ये मेन वर्ब है ये क्या है मेन वर्ब है टेंस क्या हो जाएगा टहलते हुए मिला भी कौन है आई तो यानी कि वॉकिंग वब की तरीके से लग रही लेकिन टेंस नहीं बता रही टहल कौन रहा था आई आई क्या है प्रोनाउन है और नाउन प्रोनाउन को सजने सवारने का काम कौन करता है एड्जेक्टिव तो ये अपने आप में वब लग रहा था लेकिन है क्या एडजेक्टिव ये टेंस नहीं बताएगा टेंस कौन बताएगा वब आपको पता है मेट सेकेंड फॉर्म होती है मीट की मीट मेट मेट और वीटू को क्या कहते हैं वीटू को कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया नेक्स्ट is वॉकिंग देखो यहां पर वॉकिंग adjective थी लेकिन यहां मिलकर टेंस बता रही है ये प्रेजेंट है ये continuous है टेंस का नाम क्या हो जाएगा प्रेजेंट continuous तो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और खुद से ट्राई करिए तीन सेंटेंस आपको समझा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से और थोड़ा सा एडवांस भी हो सकता है आओ सीखते हैं ध्यान से पहले से थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा चलिए <coughs> देखो मीना टोल्ड हिज नेम ऑफ्टर ही हैड गॉन मीना ने उसका नाम बताया उसके जाने के बाद <clears throat> the patient died after the doctor had come एक सेंटेंस और लेंगे मीना टोल्ड हिज नेम after ही हैड गॉन चलिए एक सेंटेंस से में और लिखता हूँ मैंने लिखा The patient died after the doctor had come. एक और लिखा मैंने When he did not Find his cook in the kitchen, his cook in the kitchen. He asked his wife, he asked his wife where he had gone. तो ये देखो तीन सेंटेंस है और आपको करना क्या है इसमें टेंस का नाम बताना है ट्राई करो अभी आपको समझाते हैं थोड़े से एडवांस सेंटेंस है लेकिन आप बहुत कुछ सीखेंगे इससे देखो मैं आपको समझाता हूं सुनना ध्यान से अभी आपको बताया था ना कि वब क्या होती है जो टेंस बताती है याद रखिएगा व ही टेंस की जानकारी देगी कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच टेंस की जानकारी नहीं देगा मीना ने मीना टोल्ड हिज नेम मीना ने उसका नाम बताया उसके जाने के बाद देखो अच्छा कब बताया कब बताया तो बोलो वेन का रिप्लाई है कि नहीं वेन का रिप्लाई है ना और वेन का रिप्लाई क्या होता है एडवर्ब होता है आप याद रखिएगा वब में जब वेन का रिप्लाई मांगा जाता है तो एडवर्ब आंसर मिलता है तो ये तो एडवर्ब है और एडवर्ब की क्या हिम्मत जो टेंस बता दे पूरे सेंटेंस का जो टेंस है वो कौन सा है टोल्ड ये V2 था ना और V2 इज नोन एज पास्ट इंडेफिनिट बढ़िया कॉन्सेप्ट है याद रखिएगा हमने ये पढ़ा है कि वह भी टेंस की जानकारी देगी अदर पार्ट ऑफ स्पीच टेंस की जानकारी नहीं देंगे अच्छी बात है ये तो वब है वेन का रिप्लाई मांग रहा था वब में एड कर रहा था नेक्स्ट द पेशेंट डाइड ऑफ्टर द डॉक्टर हैड कम अब पेशेंट मर गया अच्छा कम मरा डॉक्टर के आने के बाद ठीक है ना तो ये बोलो वेन का रिप्लाई है ना वेन का रिप्लाई क्या होता है एडवर्ब एडवर्ब की हिम्मत नहीं है टेंस बता दे adverb की हिम्मत नहीं है टेंस बता दे पूरे का ये वी टू बता रही थी और वीटूज बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, है समझेगा डिड नॉट फाइंड हिस्सूक इन द किचन वाइफ वेयर ही बात और समझेगा से. कभी भी, अकेले नहीं लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस नाम का कोई टेंस होता ही नहीं है ये डिपेंडेंट टेंस होता है किसी पर डिपेंड रहता है आप समझो ध्यान से आगे बढ़े इन द किचन टू है ओके okay है कोई दिक्कत नहीं है पास्ट परफेक्ट टेंस यहां पर जो लिखा है ना ये वाला पास्ट परफेक्ट ये तो आपको पता है ना देखो ही पूछा कि वो कहां गया है तो वर्ड का रिप्लाई है ना बेटा और वर्ड का रिप्लाई क्या होता है आपको बेसिक में पढ़ाया था फंडामेंटल्स में क्या ऑब्जेक्ट होता है ये पूरा क्या है ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है तो नाउन है अब मुझे एक बात बता दो कि जो नाउन होता है क्या कभी टेंस बता सकता है नाउन कभी भी टेंस नहीं बता सकता टेंस वह भी बताएगी तो डी वी टू है तो पूरे सेंटेंस का जो टेंस है वो कौन सा है पास्ट इंडेफिनेट अगर मैं इस क्लास का पूछता तो पास्ट परफेक्ट होता है इस क्लॉज का पूछता तो पास्ट परफेक्ट होता लेकिन मैंने सेंटेंस का पूछा था ध्यान रखिएगा इस क्लॉज का पूछता पास्ट परफेक्ट क्लॉज क्या होता है खुद का सब्जेक्ट खुद की वब होती है कंजंक्शन सब्जेक्ट एंड वब आई होप आपने टेंस को बहुत ही बारीकियों से समझा है कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी इस वीडियो को बार बार देखिएगा बार बार समझिएगा क्योंकि ये जो ना वीडियो जो क्लास है ना आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी क्योंकि यहीं से आपके सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे टेंस के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं टेंस को पहले पहचानना सीखिए और जैसे ही पहचानना आ गया तो मोहित सर प्रॉमिस करते हैं टेंस के सारे पॉइंट अभी बहुत बड़ा टॉपिक है ये तो अभी पहचानना सीखो नेक्स्ट वाले पॉइंट पर सिखाएंगे आपको क्या कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं स्पॉटिंग एरर के तो बेटा इतना ही रखते हैं आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग